नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। पाकिस्तान सुपर लीग का छठा सीजन अभी आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के बाकी मुकाबलों से हटने का फैसला किया है और वजह जान के आप सब भी हैरान हो जाएंगे। फॉकनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सैलरी ना देने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुस्से में होटल में लगे झूमर पर बल्ला और हेलमेट भी दे मारा। अब पीसीबी ने फॉकनर के दावे को झूठा करार देते हुए उन पर भविष्य में पीएसएल ना खेलने के लिए बैन लगा दिया है। फॉकनर ने शनिवार को ट्विटर पर इस फैसले की जानकारी दी। साथ ही फॉकनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उनके पैसे के मामले में धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। पीसीबी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने हालांकि कहा है कि फॉकनर को उनकी अनुबंध संबंधित शर्तों के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। पीसीबी ने साफ किया है कि इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को भविष्य में इस टी20 लीग में नहीं खेलने दिया जाएगा। 31 साल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से लगातार 2 ट्वीट किए और लिखा, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आखिरी 2 मैचों से हटना पड़ रहा है। मैं पीएसएल छोड़ रहा हूं क्योंकि पीसीबी मेरे भुगतान का सम्मान नहीं कर रहा है। मैं यहां पूरे समय के लिए रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोलना जारी रखा। कुल मिलाकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, छोड़कर जाने का दुख होता है क्योंकि मैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में मदद करना चाहता था। यहाँ बहुत सारे युवा प्रतिभाएं हैं और फैंस काफ़ी शानदार हैं, लेकिन जिस तरीके से पीसीबी और पीएसएल की तरफ से मेरे साथ व्यवहार किया गया वही अपमानित करने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी परिस्थिति को समझते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर बयान जारी कर फॉकनर के ऊपर ब्लैकमेलिंग, तोड़फोड़ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। पीसीबी ने कहा है कि फॉकनर को 70% पैसे दे दिए गए हैं, बाकी पैसे भी जल्दी दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही पीसीबी ने भविष्य में फॉकनर को पीएसएल में शामिल नहीं करने की भी बात की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।